रायगढ़ जिले के अंजोरीपाली गांव में छत पर शराब की टंकी बनाकर नल से उसकी सप्लाई करने वाले आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से आरोपी मनोज जोधे 40 वर्ष शराब बेचने का धंधा कर रहा था, उसे देखकर आबकारी विभाग की टीम भी हैरान रह गई। मामला खरसिया चौकी क्षेत्र का है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त आशीष उप्पल ने बताया कि आरोपी मनोज जोधे अपनी छत पर एक छिपी हुई टंकी बनाकर रखी हुई थी। इसमें महुआ शराब भरी जाती थी। वहीं नीचे घर में एक कमरे में एल्यूमिनियम की गेट के सहारे छिपाकर एक पाइपलाइन बिछाई गई थी। उसमें आरोपी ने नल लगा दिया था। जब उसके पास ग्राहक आते थे तब वो इसी नल से निकालकर शराब उन्हें देता था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी के घर से दबिश दी। पहले तो आरोपी नानुकुर करता रहा, लेकिन एक एक जगह की बारीकी से जांच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने अपने पूरे गोरख धंधे का खुलासा टीम के सामने किया। आबकारी विभाग ने आरोपी के घर की टंकी की तलाशी ली तो उसमें 30 लीटर महुआ शराब मिली। शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।